हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट का, इंटरनल कंट्रोल्स। लास्ट क्लास में हमने अपना थर्ड चैप्टर ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने फोर्थ चैप्टर पे हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा इंटरनल कंट्रोल। आज इंटरनल कंट्रोल छोटा सा चैप्टर है, इसको हम मोस्टली मेरे ख्याल से हम 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। 3 to 4 hours लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो आज की क्लास में हम जो इंटरनल कंट्रोल्स, सबसे पहले तो चैप्टर है हमारा इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स। आज की क्लास में जो हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स वाले चैप्टर में से कवर करने वाले हैं, आज हम बेसिकली इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स कि इंटरनल कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर करेंगे। जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, एक हमारा टॉपिक है जो आज हम कवर कर रहे हैं वो है इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा लिमिटेशंस कि अगर हम इंटरनल कंट्रोल लगा रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला टॉपिक तो हमने ये कर दिया। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा पाती या इंटरनल कंट्रोल्स में क्या कमियां रह जाती हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स होने के बावजूद भी वो इतना सक्सेसफुली काम नहीं कर पाती, तो इंटरनल कंट्रोल्स की लिमिटेशंस। और तीसरा, हम इसके ऊपर कुछ जनरल सी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑडिटर का क्या रोल है। तो इसमें इसे मैं आपको एक जनरल टॉपिक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ टॉपिक को डील कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। मेन जो है वो हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, बाकी कोई छोटा मोटा कंसेप्ट आ जाएगा तो उसे साथ साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स अब हमारा चैप्टर है। इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिट जिस दिन पहली क्लास में शुरू कर रहा था उस दिन एक बात कही थी, इंटरनल कंट्रोल्स बनाने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करेगा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी है या नहीं बनी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल लगाने की, ऑडिटर उन इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते थे, एफिशिएंट थे, कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर थे या नहीं थे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स डिसाइड करता है। इंटरनल कंट्रोल हमारे कंप्लायंस प्रोसीजर्स होते हैं, ऑडिटर उन कंप्लायंस प्रोसीजर को चेक करने के बाद कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस प्रोसीजर प्रॉपरली काम करते हैं या नहीं करते, उसके बाद अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स डिसाइड करता है। ये सारी बातें हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो मैंने कुछ नई बात बोली हो, अभी तक कोई भी नई बात नहीं बोली गई है मेरी तरफ से। ये सब हम अपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में उसमें इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जब जब मैंने आपके साथ डिस्कस करा है तब तब मैंने आपके साथ इन बातों को बोला है। तो आज इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर बात हो रही है। इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, यानी कि हमारे इतनी सारी बातों का अगर हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं हमारे। इंटरनल कंट्रोल्स हैं हमारे मेथड्स एंड वेज। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स को मैं अपना मेथड्स बोल सकती हूँ। जिससे एक कंपनी के फाइनेंशियल्स में वीकनेसेस ना रह जाएं, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन लगा रही है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स का सिंपल सा कंसेप्ट क्या है। इंटरनल कंट्रोल का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके यहाँ फ्रॉड्स ना हो, एरर्स के चांसेस मिनिमाइज हो, तो वो अपनी कंपनी में एक इंटरनली डिपार्टमेंट एक कंट्रोल लगा रही है कि मेरी कंपनी में फ्रॉड्स कम हो, मेरी कंपनी में एरर्स कम हो, मेरी कंपनी मैनेजमेंट की पॉलिसीज को फॉलो कर रही हो, मेरी कंपनी में की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो वो रिलायबल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही हो, मेरी कंपनी टाइमली एक्यूरेटली सारा डाटा रिप्रेजेंट करती हो। तो ये इस पर्पज की वजह से एक कंपनी इंटरनल कंट्रोल लगा रही है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है हमारा, मेथड्स, वेज एंड प्रोसीजर्स, एक और वर्ड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, मेथड्स, वेज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात आई ऑब्जेक्टिव की। पहली बात बोली मैंने, कहा कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, मेथड्स, वेज एंड प्रोसीजर्स एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रही है, एक कंपनी के मैनेजमेंट अडॉप्ट कर रहा है। क्यों, ऑब्जेक्टिव्स वही हो गए कि किसी काम को हम क्यों कर रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव ही तो है। तो ऑब्जेक्टिव से ही हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेथड्स, वेज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, अब पर्पस जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है। ठीक है ना, ताकि
क्यों कर रहे हैं हम लोग? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, कि हम अपने एसेट्स सेफ गार्ड्स कर सके, कि हमारे एसेट्स को लॉस ना हो. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? मिनिमाइजिंग द एरर्स एंड फ्रॉड्स, कि हमने अपने एरर्स एंड फ्रॉड्स को मिनिमाइज कर दिया. मिनिमाइजिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स. रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अगर एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट अच्छा है तो यानी कि उस कंपनी में एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस कम है. यानी कि अगर एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस कम है तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, वो रिलायबल होगी. यानी कि रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मैनेजमेंट की पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, ये जानने के लिए. अगर मैनेजमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन में कह रखा है, मैनेजमेंट ने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कह रखा है कि उसको, मैनेजमेंट ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में कह रखा है कि हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं, हमारी ये पॉलिसीज फॉलो होनी चाहिए. ठीक है, मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी का जो बंदा है उसे कह रखा है कि ये पॉलिसीज फॉलो होनी चाहिए. एक अकाउंटेंट है, उसे ये कह रखा है कि आप इस तरीके से पॉलिसीज ड्राफ्ट करोगे, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, अब वो काम उस तरीके से हुआ या नहीं हुआ, वो काम उस तरीके से हुआ या नहीं हुआ, तो उसे जानने के लिए इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट बना हुआ है. अगर उस अकाउंटेंट ने उस वर्क टास्क को, उस वर्क को उसी तरीके से फिनिश करा तब तो ठीक है. अगर वो नहीं करा तो वो जो हमारा इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो जो हमारा इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो उस चीज़ को आगे मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देगा और वो वीकनेस, और फिर वो उस अकाउंटेंट के ऊपर बात आ जाएगी. ठीक है, तो वो मैनेजमेंट उस के ऊपर, मैनेजमेंट उस अकाउंटेंट के ऊपर बात आ जाएगी. यानी कि कंप्लायंस विद मैनेजमेंट पॉलिसीज हुआ या नहीं हुआ. ठीक है ना, एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज. रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. टाइमली कंप्लायंस, टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए? एक तो हमारे एसेट सेफगार्ड कर रहा है, एक एरर्स एंड फ्रॉड्स मिनिमाइज हो रहे हैं, दूसरा हमने कहा रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक मैंने कहा एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज, कि जो मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई गई हैं क्या उनके साथ कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हमारे आ रहा है. ठीक है, ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है. यानी कि अगर मैं कहूँ तो हम इसमें और इसको थोड़ा और एनालाइज, थोड़ा डिटेल में करें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ने जो जो पॉलिसीज बनाई, अब इंटरनल कंट्रोल में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं. ऑथराइजेशन, जो ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट करी जा रही है क्या उसे मैनेजमेंट ने ऑथराइज किया या नहीं किया, ये एक हमारा इंटरनल कंट्रोल है. अगर मैनेजमेंट के यहां पे एक कंडीशन है, मैनेजमेंट के यहां पे एक कंडीशन है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है उसे ये एक्स वाई जेड में से एक्स साइन करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है उसे वाई साइन करेगा, और कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका अमाउंट 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है उसे जेड साइन करेगा. तो क्या वो प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन से साइन हुई है या नहीं हुई. कहीं ऐसा तो नहीं हो 50,000 वाली ट्रांजेक्शन को एक्स ने साइन कर दिया हो और 1,00,000 वाली ट्रांजेक्शन को वाई ने साइन कर दिया हो. अगर मैं कहूँ कि एक हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर है एक्स वाई और जेड के बीच में, एक हमारा क्राइटेरिया ऑथराइजेशन के ऊपर बात करते हैं, एक हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि एक्स 10,000 की ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेगा और वाई हमारा 50,000 की ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेगा. तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि एक्स ने 50,000 की ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दिया. क्या प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन ने उस चीज़ को सर्टिफाई करा है, क्या ऑथराइजेशन प्रॉपर बंदे से ली गई है या नहीं ली गई, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे. कि क्या हमारा इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट ये इन्हीं बातों को चेक करेगा कि क्या उस बात का प्रॉपर
ऑथराइजेशन था उस बंदे के पास या नहीं था, प्रॉपर साइंड थे फाइनेंशियल्स या नहीं थे। एक वाउचर उसके ऊपर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साइन करके देगा कि क्या उस पर्सन ने, ऑथराइज्ड पर्सन ने उस वाउचर को साइन करा या नहीं करा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया ऑथराइजेशन, बाकी ये हम पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके थे। सेफ गार्डिंग द एसेट्स हमने पढ़ा था, मिनिमाइजिंग द एरर्स एंड फ्रॉड्स हमने यहाँ लिखा था। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से पढ़े थे, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि वो टाइमली इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, और मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है क्या क्या वो फॉलो हुई है या नहीं हुई है, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट ये चेक कर रहा था। ऑथराइजेशन में मैंने एक एग्जांपल दिया कि क्या वो पर्सन प्रॉपरली ऑथराइज था उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि जो सी भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है कि एक्स वाई जेड में से क्या उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी थी उस ट्रांजेक्शन के लिए या नहीं थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अब एक और एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं कि क्या जो अकाउंटिंग हुई है क्या वो प्रॉपर वे से हुई है या नहीं हुई। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेती हूं अकाउंटिंग का, ऑब्जेक्टिव एक और हो गया हमारा अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में मैं क्या कह सकती हूं, मैं अकाउंटिंग में यही चीज कहूंगी कि जो ट्रांजेक्शन हुई है अकाउंटिंग में, जो ट्रांजेक्शन हुई है कि क्या वो एप्रोप्रिएट तरीके से एप्रोप्रिएट पॉलिसी को फॉलो करके हुई है या नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रांजेक्शन हुई है क्या वो इसी पीरियड से रिलेट करती है, कि ऐसा तो नहीं है वो पुराने पीरियड से रिलेट करती है। और तीसरी चीज, जो ट्रीटमेंट हुआ है क्या वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ, क्या वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो उस ट्रांजेक्शन के लिए बनता था क्या वही किया है या कुछ और गलत कर दिया है। यानी कि अगर मैं कहूँ मैं एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कर रही हूँ, तो जो इन्वेस्टमेंट पे हमारा AS 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो कहता है, तो क्या मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 को फॉलो करा है या नहीं करा। वो इन्वेस्टमेंट मैंने इसी साल ली थी तो मैं उसकी अकाउंटिंग करूँगी। तो इन सारी बातों को भी इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक करेगा। तो अकाउंटिंग में मैं क्या क्या चीजें चेक कर रही हूं, एज पर एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज है या नहीं है, रेलिवेंट पीरियड से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। ऑथराइजेशन में मैंने कहा कि क्या उस पर्सन के पास अथॉरिटी है या नहीं है कि वो उस डॉक्यूमेंट को चेक करे, उस डॉक्यूमेंट को साइन करने की अथॉरिटी प्रॉपर ऑथराइज चैनल के थ्रू आया है नहीं आया, उसकी बात करी। अकाउंटिंग में मैंने बात करी कि क्या जो हमारा ट्रीटमेंट उस ट्रांजेक्शन का बनता है क्या वो हुआ या नहीं हुआ, इंटरनल कंट्रोल इस बात को चेक कर रहा था। ऑथराइजेशन में इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा था क्या उस पर्सन की अथॉरिटी थी या नहीं थी उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने की, और अकाउंटिंग में चेक कर रहा था कि इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या चेक कर रहा था, अकाउंटिंग में चेक कर रहा था कि क्या वो एज पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ है या नहीं हुआ। फिर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट पॉइंट क्या कहता है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, बेसिकली सारे पॉइंट्स हो ही चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स को के हमारे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। या अब मैं इसमें एक पॉइंट और बोल सकती हूँ आप लोगों के साथ कि अगर मैं कहूँ कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर मैं एसेट की ही बात कर रही हूँ, हाँ इंटरनल कंट्रोल में अगर मैं एक एसेट की बात कर रही हूँ तो मैं वेरिफिकेशन को भी ले कंसिडर कर सकती हूँ। वेरिफिकेशन, अब मैंने वेरिफिकेशन की बात करी, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या है, वेरीफाई करेंगे हम वेरिफिकेशन को। मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि वेरिफिकेशन क्या होता है, एग्जिस्टेंस ओनरशिप वैल्यूएशन डिस्क्लोजर राइट, एग्जिस्टेंस ओनरशिप वैल्यूएशन डिस्क्लोजर राइट। वेरिफिकेशन में हमने ये पांच वर्ड पहले भी पढ़े हैं। तो अब मैं इसमें वैल्यूएशन की बात करती हूँ। वहां पे मैंने कहा कि जो एसेट रिकॉर्डेड है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है उन दोनों के बीच में देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। वेरिफिकेशन में इंटरनल कंट्रोल इस बात पे भी तो वेरिफिकेशन कर सकता है कि जो एसेट रिकॉर्डेड है
उसकी जो आज की डेट में मार्केट वैल्यू है, जो एसेट की रिकॉर्डेड वैल्यू है, एक एसेट है मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, उसकी एक मैं कहती हूँ कि उसकी रिकॉर्डेड वैल्यू है मेरे पास 50 लाख। एक लैंड खरीद रखी है मैंने, मेरी फाइनेंशियल मेरी बैलेंस शीट में एक लैंड अपीयर हो रही है 50 लाख की रिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। आज की डेट में मैं और कंपेयर करूंगी उसे एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ रीजनेबल कि आज की डेट में उसकी एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू। तो वेरिफिकेशन में इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट इन चीज़ों को भी चेक कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इंटरनल कंट्रोल चैप्टर हमारे अभी यहाँ पे स्टार्ट करा है, मैंने सबसे पहले यही कहा कि इंटरनल कंट्रोल क्या चीज़ है। इंटरनल कंट्रोल सिंपल सा एक कंसेप्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके यहाँ पे फ्रॉड्स कम हो, एरर्स मिनिमाइज हो, उसके लिए वो अपने यहाँ एक इंटरनल कंट्रोल का सेटअप बिठा रही है। इंटरनल कंट्रोल का सेटअप रखने से बेनिफिट क्या है कि फ्रॉड्स एंड एरर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, और वही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फ्रॉड्स एंड एरर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, एसेट सेफगार्ड्स हो जाएंगे, मैनेजमेंट की पॉलिसीज प्रॉपर्ली कंप्लाई हो जाएंगी, हमारी टाइमली इंफॉर्मेशन होगी, हमारे पास रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमारे पास टाइमली इंफॉर्मेशन होगी, हमारी प्रॉपर ऑथराइज्ड चैनल से काम हो रहा होगा, हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर हो रही होगी, अकाउंटिंग एज पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज हो रही होगी विद रेफरेंस टू रेलिवेंट पीरियड हो रही होगी, हम इन चीजों पर फोकस कर रहे होंगे। और हमारा जो वेरिफिकेशन वाला कॉल पॉइंट था उसमें हमने इस बारे में बात करी कि जो एसेट अपीयर हो रहा है और जो एसेट जिसकी आज मार्केट वैल्यू इतनी है और जो बुक्स में इतना है, उन दोनों को भी इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक कर रहा होगा कि क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये सारी बातें करी। अब अगर इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट मेरा क्लियर हो गया, ठीक है, अब मैं शिफ्ट करूंगी लिमिटेशंस पे, ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट मेरा ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर हो चुका है, अब उसके बाद मुझे शिफ्ट करना है लिमिटेशंस पे, ठीक है। अब एक बात करनी है मुझे, अगर इंटरनल कंट्रोल इतना ही अच्छा है, इतना अच्छा है इंटरनल कंट्रोल, तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट क्यों नहीं बना लेती, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे एक इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट क्यों नहीं बना लेती अगर इंटरनल कंट्रोल्स इतने ही अच्छे हैं। अगर मैं कहूँ जी उससे मेरी ऑथराइजेशन भी अच्छी चलेगी, मेरी अकाउंटिंग भी अच्छी चलेगी, मेरी एरर्स एंड फ्रॉड्स मिनिमाइज हो जाएंगे, मेरी एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होंगी, मैनेजमेंट की पॉलिसीज प्रॉपर फॉलो होंगी, मेरी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलेंगी, तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाती, क्या लिमिटेशंस हैं इस चीज़ की कि हर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट को नहीं बना पाती। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फर्स्ट कॉस्ट, हर चीज हर कंपनी एक चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है, वो है कॉस्ट। क्या इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट अगर वो लगा दे तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है या नहीं है, सबसे पहले इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं कहूँ एक एरर हुआ 50,000 रुपये का और इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट 1,00,000 रुपये का खर्चा ले रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगी, भैया 50,000 का नुकसान हो रहा है ना, भुगत लो, 1,00,000 रुपये की कॉस्ट अवॉइड हो रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मेरी किसी चीज़ से होने वाला बेनिफिट उसकी कॉस्ट से कम है तो कोई भी कंपनी उस चीज़ को लेना पसंद नहीं करेगी कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो और बेनिफिट कम हो। तो यानी कि मैनेजमेंट क्या देखेगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि जो इंटरनल कंट्रोल लगा रहा हूँ मैं कि क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। लिमिटेशन यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, कि मैनेजमेंट कंसिडरेशन क्या होगी, मैनेजमेंट कंसिडरेशन होगी कि कॉस्टिंग कितनी आ रही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या ट्राई करती है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल वो लगा रही है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। यानी कि लिमिटेशन क्या आ गई कि अगर हमारा कॉस्ट मोर देन बेनिफिट है, अगर मेरी कॉस्ट मोर देन बेनिफिट है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट को लगाना पसंद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे बेनिफिट ही 1,00,000 रुपये का हो रहा है, मेरी कॉस्टिंग 2,00,000 रुपये की आ रही है, तो मैं क्यों लगाऊंगी, मैं नहीं लगाऊंगी। इसलिए कॉस्टिंग सबसे मेन लिमिटेशन है, कॉस्टिंग सबसे बड़ी लिमिटेशन है किसी चीज़ को लगाने की। दूसरा पॉइंट, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी।
एक कंपनी में इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। एक कंपनी में इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया, एक पर्सन एक्स बिठाया और उसे कहा कि तू सारी ट्रांजेक्शन चेक करेगा, जो कौन जो से ट्रांजेक्शन 50,000 से ज़्यादा की होगी वो मुझे रिपोर्ट कर देगा। मैनेजमेंट ने जाके एक एक्स मिस्टर एक्स को जाके बोल दिया। अब मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, वो खुद ही फ्रॉड कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कंपनी ने मिस्टर एक्स को कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर एक्स को कहा कि आप सारी ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे, आप देखेंगे कि सारे एम्प्लॉयज प्रॉपरली काम करते हैं या नहीं करते, ठीक है। अब मिस्टर एक्स के पास आ गई अथॉरिटी, उन्हें लगा कि अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है, अब वो खुद ही फ्रॉड कर रहे हैं। तो एक पर्सन जिसे हमने ऑथराइज किया कि वो फ्रॉड रोके और वो खुद ही फ्रॉड करने लग जाए, तो ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल्स की लिमिटेशन हो सकती है। तीसरा, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर। गलती किसी से भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अगर किसी से गलती हो गई तो इंटरनल कंट्रोल्स उस चीज को डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स चीज को डिटेक्ट कर लेंगे, ऑल दो बेनिफिट है कंपनी को, ठीक है। लेकिन एक एम्प्लॉयज की स्टेक के ऊपर बात आ जाती है कि मिस ह्यूमन एरर, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर, मतलब 10 में से एक बड़ी गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो इसमें ह्यूमन एरर्स की वजह से भी एक लिमिटेशन इन्वॉल्व हो जाती है। दूसरा, इसी की वजह से, ह्यूमन एरर्स की वजह से क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स अमंग एम्प्लॉयज, कॉल्यूशंस, जिसे हम एग्जैक्ट वर्ड बोले तो कॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें मैं क्या कह सकती हूँ, कन्फ्लिक्ट्स अमंग एम्प्लॉयज एंड आउटसाइडर्स। ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं, इस बात को हमने लिमिटेशन में मान लिया। लिमिटेशन में मैंने अभी तक 4 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। पहला पॉइंट मैंने कहा कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है तो कोई भी कंपनी इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं लगाएगी। दूसरा पॉइंट में मैंने कहा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जिस पर्सन को ऑथराइज कर रखा है इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रॉपरली रन करने के लिए, अगर वही बंदा अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करेगा तो इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट कभी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तीसरा मैंने कहा ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं, गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है, तो उसमें इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट उन चीजों को चेक नहीं कर सकता, या अगर वो चेक कर भी लेगा तो 10 में से एक चीज तो गलत हो ही सकती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में मैंने कहा कन्फ्लिक्ट्स अमंग एम्प्लॉयज एंड विद आउटसाइडर्स, ठीक है। अब एक चीज डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, अब एक चीज अगर हमारी डिटेक्ट हो रही है तो इसमें एम्प्लॉयज के बीच में भी अपनी कॉल्यूशंस, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्सन एक्स है, उसने वाई की गलती निकाल दी, एक पर्सन जो एक्स है अगर उसने वाई की गलती निकाल दी, तो वाई और एक्स के बीच में ना कुछ अगर हम सिंपल सी बात है कि अगर मैं दो लोगों के बीच में बैठ के काम करवा रही हूँ, ठीक है, तो अगर वाई की गलती, अगर मैं उस पर्सन की गलती निकाल दूंगी तो वो एक बार ही बर्दाश्त करेगा, दूसरी बार ही फिर निकालूंगी, फिर कहेगा चलो ठीक है गलती होगी। अगर मैं उसकी हर दूसरे दिन कोई ना कोई गलती निकालती रहूंगी ना, तो मैनेजमेंट को लगेगा कि यार ये पर्सन ठीक तरीके से काम नहीं करता, उस पर्सन में आ जाएगा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो एक तरीके से दो एम्प्लॉयज जो एक यूनिटी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकते थे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे। ये कन्फ्लिक्ट्स आपकी थर्ड पार्टी के साथ भी अराइज हो सकते हैं। अब थर्ड पार्टी के साथ आपके कैसे अराइज हो सकते हैं कि अगर एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि जितने भी थर्ड पार्टीज है ना, उनकी हमें ये क्लैरिफिकेशन लेनी है, डेटर से हमें ये चीज़ें पूछनी है, क्रेडिटर से हमें ये चीज़ें पूछनी है, तो मे भी हो सकता है डेटर और क्रेडिटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड ना हो। इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट कहता है कि कोई भी डेटर या क्रेडिटर जिससे आप डील करेंगे उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसका पैन कार्ड होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसकी ये डिटेल होनी चाहिए, वो डिटेल होनी चाहिए। हमने एक 15-20 पॉइंट्स की लिस्ट बना रखी है इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट ने। मे भी हो सकता है कोई डेटर इजिली प्रोवाइड कर दे, और मे भी हो सकता है कोई डेटर प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड ना हो। तो अगर कोई डेटर प्रोवाइड करने में उस इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे मैं कहूँ बैंक अकाउंट नंबर को क्रेडिटर्स डेटर्स कहते हैं, मैं प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट की उन डेटर या क्रेडिटर के साथ
कॉल्यूशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस हैं, तो ये भी हमारा एक लिमिटेशन में आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट एक लिमिटेशन में बोल सकती हूँ, मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन कौन कर सकता है? मैन्युपुलेशन कर सकता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैनिपुलेशन कर सकता है। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मैंने कहा एक अथोराइज्ड पर्सन था, उसने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करा और इंटरनल कंट्रोल्स वीक हो गए, ठीक है। मैनिपुलेशन है कि मैनेजमेंट जिसने इंटरनल कंट्रोल्स बनाए, ऑल्दो वो ऊपर बैठा है, लेकिन जब वो एस्टिमेट्स बना रहा है, जब वो बजट्स बना रहा है, उसने तभी उन चीजों को गलत बना दिया, तो इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट कभी भी इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एक चीज अगर जिसकी कॉस्टिंग लगनी 1,00,000 रुपए है, मैनेजमेंट उसकी मैनिपुलेशन करके 5,00,000 लगा देता है, इंटरनल कंट्रोल कभी भी इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि गलती हुई है। इंटरनल कंट्रोल कभी भी मैनेजमेंट की मैनिपुलेशंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल तो सिर्फ उस 1,00,000 या उस 5,00,000 के ऊपर काम करेगा कि इन 5,00,000 के ऊपर आगे किस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन अगर ऊपर से एक एस्टिमेटेड डाटा, एक एस्टिमेटेड बजट ही गलत आ रहा है, तो इंटरनल कंट्रोल उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गए। इसके अलावा क्या कौन कौन से पॉइंट्स हम कह सकते हैं? हम एक पॉइंट कह सकते हैं अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस जिसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल वीक है और वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक ऐसी ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने इंटरनल कंट्रोल को गाइडलाइंस दे रखी है कि हर 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन को आप चेक करोगे, तो अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो नॉर्मल कोर्स में ना हो रही हो, तो उसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो मे बी हर बिजनेस में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस होती होंगी, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल की कुछ वीकनेसेस अब हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। पहला पॉइंट सबसे अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने कहा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी यहां पे बात करी थी मैंने उस ऑथराइज्ड पर्सन की, और मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन था हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि अगर मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर लेता है और गलत एस्टिमेट्स, गलत बजट्स बना देता है, तो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स कभी भी उन चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरे पॉइंट में मैंने बात करी हमारी ह्यूमन एरर की, कि गलती किसी से भी हो सकती है। चौथे पॉइंट में मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी थी कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, और यहाँ लास्ट में मैंने बात करी अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस की, कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस भी इंटरनल कंट्रोल्स में भी चेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल्स, पहली एक बात मुझे वैसे बता देनी चाहिए थी कि इंटरनल कंट्रोल्स कहाँ कहाँ लग सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स हर डिपार्टमेंट में लग सकते हैं। आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट लगाओ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में लगाओ, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में लगाओ, आप हर डिपार्टमेंट के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल्स लगा सकते हो, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स हर डिपार्टमेंट में लग सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स में कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब उसके आगे का जो मुझे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है, वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब इसके आगे के टॉपिक्स जो है वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। एक चीज मैंने कही, इंटरनल कंट्रोल लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स की, क्रिएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल्स क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्रिएट करेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर हैं या नहीं है। ऑडिटर कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स क्रिएट नहीं करता। ऑडिटर क्या करता है? चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ऑडिटर चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस हैं, तो वो उन वीकनेसेस को मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देता है, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन वीकनेसेस को रिमूव कर दे, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे ठीक तरीके से काम कर सके, ठीक है।
इंटरनल कंट्रोल. एक टॉपिक मैंने बीच में हल्का सा छोटा सा छोड़ा है, बहुत थ्योरी सा टॉपिक है, उसे आप बुक में से रीड कर सकते हैं. अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम इंटरनल कंट्रोल लगा रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको बुक में मिल जाएंगे. ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूँ मैनेजमेंट से रिलेटेड की. ठीक है, मैंने कहा कि इंटरनल कंट्रोल क्रिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर इंटरनल कंट्रोल्स में कुछ वीकनेसेस हैं वो आगे जाके मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देगा, और उसके बेसिस पे कि मैनेजमेंट उन इंटरनल कंट्रोल्स में अपनी इम्प्रूवमेंट्स करेंगी और फिर उस तरीके से वो चीज़ डिसाइड करी जाएगी. ठीक है, अब बात आई कि यहाँ पे हाँ, क्रिएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इंटरनल कंट्रोल की डिजाइनिंग. ठीक है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की. ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिव्यू करने की, कि इंटरनल कंट्रोल्स को वो रिव्यू करेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं. इस चीज को रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मैनेजमेंट की. इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मैनेजमेंट की. इंटरनल कंट्रोल्स क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की. रिव्यू में वो क्या करेगी, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो चेक करेगी कि जो मेरी पॉलिसीज हैं वो प्रॉपरली फॉलो हुई हैं या प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं. रिव्यू में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे होंगे, अगर मैं रिव्यू की बात करूं, पॉलिसीज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हैं या नहीं है, पॉलिसीज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हैं या नहीं है. अगर मैनेजमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनाई है तो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल करते हुए इस बात को चेक किया जा रहा है कि जो पॉलिसी बनाई है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है. अगर कोई सरकमस्टांसेस चेंज हो गए, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक साल काम कर रही थी अब दूसरे साल काम कर रही है, तो मे बी इस ईयर में और इस ईयर में कुछ सरकमस्टांशियल चेंजेस आ गए होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई होंगी, तो क्या जो प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वैसे हम एक साथ ही यूज कर लेते हैं, टू मीट द चेंज सरकमस्टांसेस वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं. ठीक है, प्रोसीजर्स टू मीट द चेंज सरकमस्टांसेस. ठीक है, और तीसरा रिव्यू में वो क्या चेक करेगी, तीसरा वो रिव्यू में चेक करेगी कि क्या प्रॉपरली करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं. यानी कि तीसरा रिव्यू में वो क्या चीज चेक कर रही है कि अगर गलतियां थी, अब मैंने मान लिया कि गलतियां थी पहले इंटरनल कंट्रोल्स में, तो क्या करेक्टिव एक्शंस प्रॉपरली लिए गए या नहीं लिए गए. मैंने अभी यहां पे मैंने लिखा था क्रिएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती इंटरनल कंट्रोल्स को क्रिएट करने की, इंटरनल कंट्रोल्स क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैनेजमेंट की. ठीक है, तो यहां पे मैंने कहा कि इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने क्रिएट कर दिए. ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल्स क्रिएट तो हो गए, अब मैनेजमेंट उन्हें पीरियोडिकली बेसिस पे रिव्यू करेगा कि वो क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू करने की भी बनती है मैनेजमेंट. अब वो क्या क्या चीजें रिव्यू कर रहा होगा, रिव्यू कि जो पॉलिसीज मैंने ड्राफ्ट करी हैं, जो पॉलिसी हमने बताई हैं क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हैं या नहीं है, जो प्रोसीजर्स हैं टू मीट द चेंज सर्कमस्टांसेस, जो हमने कुछ नई पॉलिसीज या प्रोसीजर्स बनाए थे क्या वो इंप्लीमेंट हुए या नहीं हुए, और तीसरी अगर कुछ गलतियां थी पहले तो क्या उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए गए या नहीं लिए गए, ये चीजें चेक करी जाएंगी. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा क्रिएशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कहा रिव्यू मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक छोटी से एक कंसेप्ट और जिसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डील कर चुके हैं, इंटरनल ऑडिट.
इंटरनल ऑडिट, ये भी बनी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है इस बारे में शायद कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का डिफरेंस पढ़ के आए हुए हैं। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि मैनेजमेंट एक ऑडिट डिपार्टमेंट बनाता है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वो कंपनी के ऑडिट्स को कंडक्ट करता है ऑन एन इंटरनल बेसिस। ये स्टैट ऑडिट से डिफरेंट होता है, ठीक है, और इसकी जो वीकनेसेस होती हैं ये मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। हाँ, जब स्टैट ऑडिटर आता है तो वो इस इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर कर लेता है, ठीक है। तो ये इंटरनल ऑडिट हमारा ये तीसरा पॉइंट होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, हमने कहा इंटरनल कंट्रोल में जो मैंने तीसरा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात करी थी, आज हमारा अब वो भी हो गया। अब इसके अलावा हम अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और करेंगे, ठीक है, हम अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और करेंगे। अभी मैंने क्रिएशन, इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएशन की बात करी, रिव्यू की बात करी और इंटरनल ऑडिट की बात कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा छोटे छोटे टॉपिक्स में और क्या क्या हो सकता है, मैंने ये कह दिया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसके बाद हमारा रिव्यू, हाँ इसके बाद हमारा क्या हो सकता है कि जैसे रिव्यू की बात भी हो गई। उसके बाद हमारा पॉइंट आया कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने मैंने कहा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिपोर्ट देने की कि क्या वो फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल्स बनाने की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर चेक करने की कि क्या वो फाइनेंशियल्स प्रॉपर बने हैं या नहीं बने हैं। ऑडिटर इस चीज़ का दे रहा होता है रिपोर्ट, ठीक है। अब रिव्यू में ये तो मैनेजमेंट ने रिव्यू कर दिया इंटरनल कंट्रोल्स को, ऑडिटर क्या रिव्यू कर रहा था, ऑडिटर रिव्यू कर रहा था कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर थे या नहीं थे, यही रिव्यू कर रहा था कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर थे या नहीं थे, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिटर, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स बाय एन ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल्स क्रिएट किसने करे, मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट ने अपनी बारी एक तरफ से रिव्यू कर लिया कि इंटरनल कंट्रोल्स में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, और तीसरा इंटरनल कंट्रोल्स के लिए मैनेजमेंट ने एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, बात आ गई स्टैट्यूटरी ऑडिटर के हाथ में, जो हमारा कंपनी का जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, बात आ गई उसके हाथ में। जब वो ऑडिट करने आया तो वो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर करता है कि इंटरनल ऑडिटर ने क्या क्या रिपोर्ट्स दी हैं। इंटरनल ऑडिटर एक बारी मैनेजमेंट को अपनी तरफ से वीकनेसेस बताता है कि हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट में क्या क्या, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वीकनेसेस है। उसके बाद जब स्टैट ऑडिटर के हाथ में रिपोर्ट पहुंच जाती है इंटरनल ऑडिटर की, या इंटरनल ऑडिटर स्टैट ऑडिटर के साथ डिस्कस करता है अपनी की मेरी वीकनेसेस, मेरे हिसाब से मेरी हमारी कंपनी में ये ऑब्जर्वेशंस हैं, जब स्टैट ऑडिटर के साथ डिस्कस करी जाती हैं, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू स्टैट ऑडिटर कर रहा है। यहाँ पे मैं जिस ऑडिटर की बात कर रही हूँ ये मेरा स्टैट ऑडिटर है, ठीक है। तो अब स्टैट ऑडिटर जो मेरा एक्सटर्नल ऑडिटर, स्टैट ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर एक ही बात है, स्टैट ऑडिटर अब मेरे इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू कर रहा है, ठीक है। अब ये इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू करते हुए क्या चीज़ चेक कर रहा होगा, ये देखेगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट में वीकनेसेस हैं या नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल्स डिपार्टमेंट में वीकनेसेस हैं तो सबसे पहली बात तो ये मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देगा उनकी वीकनेसेस, और ये सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स फॉलो करेगा अपने ऑडिट में। अगर इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट में वीकनेसेस हैं तो जो हमारा स्टैट ऑडिटर है, ये मेरा स्टैट ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, रिपोर्ट कर देगा वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल टू द मैनेजमेंट, रिपोर्ट द वीकनेसेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द मैनेजमेंट।
अब जब इसे वीकनेसेस पता चल गई होंगी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस जब हैं, तो ये उसके बेसिस पे अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स डिसाइड करता है, एडिशनल प्रोसीजर्स कि इसे कौन से एरिया में कितने प्रोसीजर्स फॉलो कर दिए, ये उन वीकनेसेस के बेसिस पे डिसाइड करता है। यानी कि इसने रिपोर्ट कर दी वीकनेसेस इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट को, और उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट अप्लाई करेगा ये अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, decide substantive procedures. स्टैट ऑडिटर आया, उसने देखे इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या वीकनेसेस हैं, उसने वो वीकनेसेस उठा के मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दी, और साथ ही साथ उसने अपनी उनके बाद उसने अपना सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स भी डिसाइड कर लिया। अब इंटरनल कंट्रोल्स ये रिव्यू तो कर लिया, ये मैंने बोल दिया कि रिव्यू कर लिया, लेकिन रिव्यू किया कैसे? रिव्यू करने के लिए भी तो कोई तरीका होगा कि जिस तरीके से और स्टैट ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट को रिव्यू करा होगा, तो उसके भी कुछ मेथड्स होंगे। तो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स बाय एन ऑडिटर के कुछ मेथड्स हैं, वो यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। हाउ टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने के हमारे पास चार मेथड्स हैं। एक है हमारा नैरेटिव रिकॉर्ड, एक है हमारा चेकलिस्ट। इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करने के बाय स्टैट ऑडिटर हमारे पास चार मेथड्स हैं। एक है हमारा नैरेटिव रिकॉर्ड, एक है हमारा चेकलिस्ट, एक है हमारा क्वेश्चनियर, और एक है हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। नैरेटिव रिकॉर्ड क्या है? नैरेटिव रिकॉर्ड क्या है कि ऑडिटर ने जितनी भी चीज़ें चेक करी है ना, ऑडिटर ने जितनी भी चीज़ें चेक करी है, एक डिटेल्ड चेकिंग करी है, और उसने उसको जाके आगे पूरा फ्रेम करा अपना कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेक करी है, डिटेल्ड चेकिंग, और उसके बेसिस पे उसने एनालाइज करा कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या बेकार है। यानी कि नैरेटिव रिकॉर्ड क्या हो गया हमारी? डिटेल्ड चेकिंग। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है जो आज हो रही हैं, और ये आपको बुक में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इन सारी चीज़ों की, इसलिए अभी मैं सिर्फ डिस्कस करूँगी, ठीक है। नैरेटिव रिकॉर्ड क्या है कि एक ऑडिटर ने फाइनेंशियल्स की डिटेल्ड चेकिंग करी, और उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट को पहले डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट क्या होता है? एक बर्ड्स आई व्यू चार्ट भी कह सकते हैं इसे, कि एक ना कंसाइज फॉर्म में, कि फ्लो चार्ट तो हम सब लोगों ने ITSM में भी पढ़ा है। ITSM में हम लोग IT में जब पढ़ते हैं तो फ्लो चार्ट क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन इस तरीके से हुई, यस और नो, अगर यस हुआ तो हम यहाँ चलेंगे, नो हुआ तो स्टॉप, फिर यस हुआ तो यहाँ चलेंगे, फिर नो हुआ तो फिर स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट बन रहा होता है। तो अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो चार्ट बनाऊँ तो फ्लो चार्ट क्या कैसे बन सकता है? एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ्लो चार्ट, एक स्टॉक के ऊपर फ्लो चार्ट बनाते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन हुई, यस, कॉस्ट पे हुई, मार्केट प्राइस पे हुई, एक जगह यस लगेगा एक जगह नो लगेगा, ठीक है। एज पर AS2 हुई या नहीं हुई? एज पर AS2 हुई, यस, अगर नो हो गया तो वहीं पे स्टॉप, अगर यस हो गया तो क्या प्रॉपर आगे पॉलिसीज फॉलो हुई, यस और नो। तो इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट के थ्रू हमें प्रॉपर उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जो है हमारा, इसे सिंपल सी है, प्रिसाइज फॉर्म में सबसे बेस्ट मैनर माना जा सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल जानने के लिए, प्रिसाइज, PRECIC, प्रिसाइज से बर्ड्स आई व्यू चार्ट की तरह यूज हो रहा है। अब बात आई चेकलिस्ट और क्वेश्चनर की, इन दो पॉइंट्स में एक हल्का सा डिफरेंस है, उस पॉइंट को डिस्कस कर लेती हूँ। इन दो पॉइंट्स में एक हल्का सा डिफरेंस रहता है चेकलिस्ट में और क्वेश्चनर में। चेकलिस्ट क्या कौन भरता है और क्वेश्चनर कौन भरता है? चेकलिस्ट भरता है ऑडिटर का स्टाफ, चेकलिस्ट भरता है ऑडिटर का स्टाफ,
और क्वेश्चनियर भरता है क्लाइंट का स्टाफ। जैसे अगर मैं एक और दोनों चीजों में और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है क्वेश्चनियर भरता है क्लाइंट का स्टाफ और चेकलिस्ट भरता है ऑडिटर का स्टाफ। यहाँ पे भी मैंने 20 क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं, मैंने उसके सामने 20 क्वेश्चंस फ्रेम कर दिया और मैंने कह दिया यस नो यस नो यस नो, टिक करके दे दो, ठीक है। इसको भरेगा क्लाइंट का स्टाफ कि क्या हमारे यहाँ AS2 लगा है, यस। क्या हमारे यहाँ एम्प्लॉयज टाइम पे आते हैं, यस। क्या हमारे यहाँ ये होता है, यस। नो नॉट एप्लीकेबल, ये इसको भर रहा है क्लाइंट का स्टाफ। अब इसे जब भर दिया, उसके पास पहुंचा ये ऑडिटर के स्टाफ के पास, उसने इसे बैठ के डिस्कस करा क्लाइंट के स्टाफ के साथ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके स्टाफ के साथ बैठ के डिस्कस करा और उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या बुरे, और उसके बेसिस पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर डिसाइड हो गए। ये क्वेश्चनियर क्लाइंट के स्टाफ ने भरा था और उसे ऑडिटर के साथ डिस्कस करा गया। ये चेकलिस्ट भरी ऑडिटर के स्टाफ ने। मैं एक ऑडिटर हूँ, मेरे यहाँ पे एज एन आर्टिकल्स कुछ लोग काम करते हैं, वो एक क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने गए। जब वो क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने गए तो मैंने अपने स्टाफ को एक लिस्ट बना के दे रखी थी कि इन 20 पॉइंट्स को आपको चेक करके आना है। जैसे ही उन्होंने एक पॉइंट चेक करा, उन्होंने कहा टिक। जैसे दूसरा पॉइंट चेक करा, उन्होंने कहा टिक। तीसरा पॉइंट चेक करा, टिक। तो इस तरीके से इसे मेरे क्लाइंट स्टाफ ने भरा। तो अगर मुझे अपने इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू करने हैं, तो मुझे क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू करने हैं, तो मैं चार मेथड्स फॉलो कर सकती हूँ, नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर एंड देन लास्ट फ्लो चार्ट, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने तीन टॉपिक्स बेसिकली पढ़े थे, पहला था ऑब्जेक्टिव, दूसरा था लिमिटेशंस, तीसरी थी मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। इनके ऊपर काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन हो चुका था। मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में मैंने बात करी थी कि क्रिएशन करने की रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की, रिव्यू करने की रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आए कि रिव्यू अगर इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिटर करेगा तो कैसे करेगा, और उसमें मैंने चार मेथड्स बताए, इन मेथड से रिव्यू कर सकता है, ठीक है। अब हम बाकी कोर्स अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।